डेटा एनालिटिक्स की कोर्स में हम पिवट टेबल कंफर्म कर चुके हैं। पिवट टेबल पे हमने एक तो रिपोर्ट्स भी बनाई है। और अतीश पांडे जी, आज हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल पे एक डैशबोर्ड्स का। ओके, तो डेटा आपके सामने है, इस सेल्स का डेटा। एक बार डेटा समझ लीजिए, फिर हम बताएंगे आपको कि हम रिपोर्ट किस तरह का बनाना चाहते हैं। देखिए, सेल्स का डेटा है कि किस दिन कितने अमाउंट का, कितने सेल, ऑर्डर वैल्यू कितनी थी, कितना सेल्स हुआ था, क्वांटिटी कितनी थी, डिस्काउंट कितना मिला था, इसमें प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ था, उसके बाद टोटल सेल्स वैल्यू कितनी थी, और किस कैटेगरी के प्रोडक्ट, सब कैटेगरी और कैटेगरी के प्रोडक्ट किस रीजन के, किस कौन सा स्टेट में, किस कस्टमर, किस टाइप ऑफ द कस्टमर। कस्टमर मतलब कि ये कंज्यूमर हो जाएगा, कॉर्पोरेट हो जाएगा, और ये आपको होम ऑफिस हो जाएगा, और किस जोन में सेल हुआ है। अब इसके ऊपर हमें एक एनालिटिक्स रिपोर्ट बनानी है, और उस रिपोर्ट बनाने से पहले, बनाने के साथ साथ क्या क्या चीजें हैं वो हम आपके साथ समझेंगे। तो जब भी हम डैशबोर्ड का बनाते हैं या कोई भी रिपोर्ट ऑटोमेट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, तो एक सपोर्ट शीट रखते हैं। सपोर्ट शीट इसे रखते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम डेटा से डायरेक्ट लिंक नहीं कर पाते हैं, तो हम डेटा को सपोर्ट फाइल से, सपोर्ट शीट से, सपोर्ट शीट को हम डैशबोर्ड से करते हैं। ओके, ओके अब बात करते हैं किस तरह की रिपोर्ट हम बनाना चाहते हैं। तो एक बार रिपोर्ट की स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं, हालांकि इंटरनेट से लिया गया स्क्रीनशॉट है, लेकिन इसी को हम देखेंगे। एक बार समझ लेते हैं क्या है रिपोर्ट को। तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि ये आपके टोटल फिगर्स होंगे, जैसे टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, टोटल डिस्काउंट, टोटल प्रॉफिट, ये आपका टोटल ऑर्डर, टोटल डिस्काउंट, टोटल सेल्स। उसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से सेल्स होंगे, जैसे कि ये आर्ट कैटेगरी है क्योंकि आर्ट सेलेक्ट है, और ये ऑफिस सप्लीमेंट है, सप्लाईज है, तो ऑफिस सप्लाई का आइकन के अकॉर्डिंग इसका टोटल दिया गया है। उसके बाद सिटी वाइज यहाँ बताया गया है कि कितना कंट्रीब्यूशन है, कि सेंट्रल में कितना परसेंट का, ईस्ट में कितना परसेंट का, साउथ में कितना परसेंट का, और वेस्ट में कितना परसेंट का है। तो ये आपका क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे ईयरली सेल्स और ईयरली ऑर्डर दिया गया है, और ये आपके टाइप ऑफ कस्टमर के हिसाब से टोटल सेल्स शेयर दिया गया है। उसके अलावा टाइप ऑफ कस्टमर, जो हमारा टाइप ऑफ कस्टमर है, उसका ये बताया गया है, प्रॉफिट बाई कैटेगरी है कि किस कैटेगरी के प्रॉफिट है हमारे। उसके बाद यहाँ ईयरली और मंथली सेल्स का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है, और ये बताया गया है क्वांटिटी सोल्ड बाय कस्टमर, कितनी क्वांटिटी सोल्ड की गई है। उसके बाद प्रॉफिट शेयर बाय रीजन, किस रीजन में कितनी प्रॉफिट, किस जोन में कितनी प्रॉफिट सेल की गई है। और ये सारा ये आपका सब कैटेगरी और कैटेगरी के हिसाब से और मंथ के हिसाब से फिल्टर्ड है। ओके, तो ओके सर जी, समझ में आया रिपोर्ट्स। अब चलिए हम डेटा के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये करते हैं, यहाँ पे देखिए, हम कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट हमारा एक ही पेज पे आए। इसको मर्ज कर दिया, और नहीं, इसको मर्ज मत कीजिए, इसको हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट पेज, फिल फिल इफेक्ट, और ए वाला बॉर्डर लेंगे, लेकिन कलर हम लेंगे कौन सा कलर लेंगे, नहीं ये ठीक, ठीक है सर। और इतना दूर जो मर्ज होगा, इसको तीन पार्ट में बांटना होगा, और फिर इसको भी तीन पार्ट में, इसको भी तीन पार्ट में मर्ज कर दिया, क्योंकि तो तीन इंफॉर्मेशन देनी है ना हमें सर। तो यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट लास्ट 10 ईयर, टू थाउजेंड टेन
2010 टू 2012, और इसको सेंट्रल कर देते हैं, इसकी कलर व्हाइट कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आईपी कंपनी नेम आईपीटी एक्सेल स्कूल, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा सेंट्रल, इसकी कलर भी व्हाइट, और इसको बोल्ड कर देते हैं कंपनी नेम है ना इसलिए। इसके बाद कि इसको हम सेंटर में लेफ्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ पे डेट, अब इसमें डेट हम चाहते हैं किस डेट को रिपोर्ट बना है ना वो आना चाहिए। डेट में यहाँ पे मान लीजिए आज डेट हो गया 31, 31 मई 2020 और 2022 हुआ ना, और यहाँ पे ट्यूजडे, और इसको हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं लेफ्ट साइड, और इसको सेंट्रल थोड़ा सा साइज बढ़ा कर देंगे और कलर बढ़ा कर। ओके, उसके बाद यहाँ साइड में जो यहाँ आया है लोगो आया है, यहाँ पे कंपनी का लोगो यहाँ इतना दूर हमें देना है, इतना इतना जो कंपनी का लोगो देना है, और इसी में हम टोटल सेल्स और कैटेगरी वगैरह यहीं पे आपको देना है। तो हम कंपनी के लोगों के लिए हम जाते हैं, विचार कंपनी के लोगो है ना, देखेंगे दिख रहा है ना यहाँ पे कंपनी का लोगो, तो कंपनी के लोगों में जो सेल्स कैटेगरी और सेल्स कैटेगरी दिख रहा है ना वो दोनों देना है। तो यहाँ पे हम आईपीटी इंडिया पे जाते हैं और अपना लोगो उठा के लाते हैं, रहा हमारा लोगो। ये लोगो सही नहीं रहेगा, ये वाला लोगो लेते हैं, ओके सर। ओके सर, और यहाँ में हम डैशबोर्ड का आइकन डालना चाहते हैं, तो यहाँ आइकन्स पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम डैश स्टिकर्स में देख, रिपोर्ट लिस्टेशन, अच्छा इसमें नहीं है तो फिर हमें क्या करना होगा, अपना गूगल बाबा के पास जाना होगा ना सर, गूगल बाबा के पास सब कुछ होता है। यस, डैश बोर्ड आइकन, अभी जरूरी नहीं है कि डैशबोर्ड आइकन देना ही है, बट मैं देना चाहता हूँ, ठीक है सर। अब डैशबोर्ड आइकन 3D में लीजिएगा या फिर इसमें लीजिएगा, वो आप चूज कर लीजिएगा किसमें चाहिए आपको, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना सर, तो ठीक रहेगा, तो दूसरा कुछ लो। यस यस यस, अच्छा ये अच्छा है, जब ये ले रहे हैं तो ये उठा लेते ना, इससे अच्छा ही है, क्या कलर भी है, अब ब्लू कलर, ब्लू कलर मैच भी करेगा ना यहाँ पे ये कलर। यस यस, और इसको छोटा करते हैं और इसको यहाँ रखते, लेकिन रखने से पहले यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ जाते हैं पेज लेआउट में, इसकी ग्रिड लाइन हटा देते हैं, ठीक है सर। यस सर, और उसके बाद ये जो यहाँ ये है यहाँ तक, इसकी जो कलर है ना फॉर्मेट सेल में, हम
हम फिल यहाँ पे फिल इफेक्ट में आते हैं और हम यहाँ से लेते हैं ये वाला कलर और ये वाला से लाइट कर देते हैं इसको। हल्का दिख रहा है ना, यस इसको छोटा कर देते हैं, हल्की सी लाइनिंग दिखेगी शैडो के तौर पे। ओके सर, यस सर। अब ये हो गए, अब यहाँ पे आएगा हमारा टोटल मर्ज कर देते हैं, दो दो का मर्ज करते हैं। ये आएगा हमारा टोटल सेल, इसमें हम लिखेंगे मर्ज यहाँ पे टोटल सेल, टोटल सेल्स, और इसकी बैकग्राउंड हम देते हैं ब्लैक, ब्लैक में ये सही है यार, नीचे ले जाऊं, नहीं ये ठीक है ना, वाइट थोड़ा सा बड़ा, और इसको सेंट्रल थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा साइड बड़ा, ठीक है। अब इसमें आगे अब इसी को कॉपी करके हम एक लाइन छोड़ के यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इस जो लाइन हमने छोड़ा है ना इसको छोटा करते हैं, टोटल से थोड़ा सा इसको भी छोटा करना होगा हमें, यहाँ तक टोटल सेल्स, टोटल सेल्स में यहाँ पे लिखेंगे टोटल, टोटल ऑर्डर, ORDERS ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स, थोड़ा सा बड़ा करना होगा टोटल ऑर्डर्स, उसके बाद फिर यहाँ पे डालेंगे और इसको करेंगे छोटा, और ये हो जाएगा टोटल QGY 4, ठीक है। फिर इसको लाइन छोड़, एक लाइन छोड़ के यहाँ डालेंगे इसकी, इसको इस लाइन को छोटा करते हैं, देखिए लाइन की छोटाई बड़ाई देखिए दिक्कत हो रही है, तो आप एक जैसा रखिए, देख लीजिए कितना है, ये आपका 0.479 पिक्सल है, एक ये भी आपका 7 पिक्सल है, इसको भी आप 9 पिक्सल करें, साइज सेम रहे, ठीक है सर जी। 9 पिक्सल, ये भी आपका 18 पिक्सल है, 9 पिक्सल, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इसको उठाता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट स्पेशल में एक काम और भी है कि मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, तो दिख रहा है कॉलम सोर्स कॉलम विड्थ दोनों आएगा, मतलब कि दोबारा छोटा करने की जरूरत आपको नहीं। यहाँ आ गया आपका टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, टोटल प्रॉफिट के बाद यहाँ आता है क्वांटिटी बाय डिस्काउंट, सॉरी मैं पेस्ट कर दिया, हमें स्किप सोर्स कॉलम विड्थ करना चाहिए था ये वाला, अब यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वांटिटी डिवाइड बाय ऑर्डर, ठीक है। अब उसके बाद मुझे डिस्काउंट बाय सेल दो और चाहिए, तो दिक्कत हो गया ना सर, ये छोटा बड़ा हो गया, ये ऊपर वाला को बाद में डिजाइन करते हैं, पहले नीचे पूरा देते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में, यहाँ देते हैं आपका कॉप सोर्स बीच, ये आपका हो जाता है डिस्काउंट बाय सेल, डिस्काउंट बाय सेल, ये पता चले ना क्या है इसमें, इस पे ये भी डिस्कस करेंगे हम कि हम फील्ड दे क्यों रहे हैं, कैसे आपको वो रिपोर्ट बनाएंगे तो कोई फील्ड कैसे देंगे, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है ना।
तो हम एक बार पहले अभी अभी आज की क्लास में हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। जी अब यहां पे आता है हमारा टोटल सेल्स। देखिए टोटल सेल्स दो बार क्यों रखे हम, ए रहने दीजिए क्योंकि छोटे से ऑलरेडी है ना, तो बस ये हमारा यहीं तक होगा। अब मैं इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा ठीक करता हूँ। राइट सर, ओके। तो हमें कुछ नहीं, इसको उठाना है, उठा के यहाँ रखना है, इसको उठा के हमें यहाँ रखना है, इसको उठा के थोड़ा सा बीच में मर्ज कर देते हैं, थोड़ा सा बस हो गया। ठीक है सर, और इसको उठा के अब इसको छोटा और कर देता हूँ। नहीं छोटा करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास इधर जगह है ना। ठीक है, ओके। अब नीचे हमें इसका ए चाहिए, फिगर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको मर्ज कर दिया है। ठीक है, मर्ज यहाँ मर्ज कर दिया, यहाँ से हटा दीजिए बॉर्डर, यहाँ ए बॉर्डर नहीं डालना है हमें, तो नो बॉर्डर। अब इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है सर जी, और इन सबको पकड़ के कर देता हूँ बोल्ड, बोल्ड जोड़ी है। और ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना, तो सेम यहाँ से फॉर्म में डबल क्लिक कीजिए और इसको नीचे तक हम कर देते हैं, यहाँ तक। ठीक है, नहीं, हमने गड़बड़ किया, अब यहीं तक करना चाहिए। ये लाइनिंग दिक्कत हो रही है तो हमें करना होगा इसको मर्ज। ठीक है सर, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, और फिर इसी को फॉर्मेट प्रिंटर लेके और यहां नीचे तक, और इसको कर देना हमें हल्का सा छोटा। ओके सर, जी सर, समझे। अब यहाँ पे हमें टोटल जो है लग जाएगा, यहाँ पे टोटल लग जाएगा। अब मुझे यहाँ पे आइकन्स चाहिए। अब कैटेगरी क्या क्या है एक बार कैटेगरी देख लेते हैं, उस हिसाब से आइकन। सबसे पहले यहाँ पे सब कैटेगरी और कैटेगरी दोनों लेंगे। सब कैटेगरी सबसे पहले उठाते हैं, तो सब कैटेगरी के हिसाब से हम बॉर्डर लेंगे। तो इसको हमने उठा लिया, और उठाने के बाद हमने मान लीजिए यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट एज ए वैल्यू, और इसको कर देता हूँ यहाँ पे हम डेटा में रिमूव डुप्लीकेट, ताकि पता चल जाए। अब मुझे यहाँ पे एसेसरीज का चाहिए आइकन, तो इंसर्ट आइकन में एक बार देख लेते हैं या नहीं है। ठीक है ना, नहीं होगा तो फिर इंटरनेट से लेकर आएंगे एसेसरीज। नहीं एसेसरीज का सर ये ठीक नहीं है ना, आपकी कंपनी क्या चीज की है तब उससे डिपेंड करता है ना, तो उसके लिए गूगल ही सही आएगा। मान लीजिए सिस्टम एसेसरीज आइकॉन, अब यहाँ पे कंप्यूटर है, मान लीजिए मैं कंप्यूटर है। ठीक है, तो हम कंप्यूटर का कंप्यूटर एसेसरीज का हम आइकन लेकर आते हैं। कौन सा आइकन सही रहेगा इसमें, थोड़ा सा रिपोर्ट बनाने में यही फर्क होता है, ये दिक्कत होती है। हाँ यस यस
इसकी डिजाइनिंग मेन होती है। इसलिए हम बच्चों को सब ट्रेनिंग देते हैं तो बताते हैं कि जब भी आप कुछ कुछ ऐसा करें तो ध्यान रखें। अब एसेसरीज में यहाँ पे ये फर्स्ट वाला और एक मिनट सेकंड ये ले लेते हैं क्या? जी सर। कॉपी इमेज और यहां पे पेस्ट करते हैं, छोटा करते हैं। अप्लायंस होती है, अप्लायंस आइकन, अप्लायंस पे तो यही ठीक है ना सर? यस। यहाँ रखिएगा जैसे कि ए है ना, उसी हिसाब से यहाँ भी रखना है क्योंकि बॉर्डर उसी को आगे किया जाएगा ना। यस। नहीं नहीं जरूरी नहीं है सर, बॉर्डर बीच वाला बॉर्डर इसमें जरूरी नहीं है, इसलिए हम अपने हिसाब से इसको रखते हैं, बाद में हम देख लेंगे। एक मिनट एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ ना, इसके नीचे जो है हमारा इसको कलर देना है हमें, तो होम में आके हम एक कलर दे देते हैं। नहीं ये कलर सही नहीं, ये भी नहीं। ठीक है सर, तो कॉपी यहाँ पे एक लाइन। अब ये दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे हमें मर्ज करना होगा, ठीक है सर? कंप्लायंस के बाद आता है आर्ट, यहाँ दीजिए आर्ट आइकन, ये जो पेंट ब्रश वाला कोई भी है। हाँ देख लेते हैं ये रहा। हाँ ऐसा है। अपीयरेंस टेस्ट और इसको भी कॉपी, ठीक है? जाता है बाइंडर, बाइंडर आइकॉन 3D, बाइंडर ही होता है क्या सर? एक सेकंड, हाँ ऐसा ही कुछ ऑफिस स्टेशनरी है।
ये सही रहेगा, ये सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में भी चल जाएगा। तो ठीक है, इसको छोटा करते हैं। वो लास्ट है हमारा बुक केश, बुक केश आइकन 3D कॉपी इमेज पेस्ट। और हमने इसको, अब इसको यहाँ पे देखिए पॉम्प पिक्चर हमने जाके हम क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप करने से ये आपका ये देखिए क्रॉप हो गया, तो इसको क्रॉप कर सकते हैं और क्रॉप करके हम यहाँ पे इसको डाल देते सर ऐसा ही जो फर्स्ट वाला आइकॉन है ना उसको भी क्रॉप कर दीजिए। हाँ हैं। और जी ठीक है, उसके बाद अब क्या लग रहा है इसको, इसके ऊपर में यहाँ पे देना जरूरी है इसका नेम, क्योंकि आपके जो रिपोर्ट फॉर्म में सैंपल उठाया हुआ है जिसकी हम नकल कर रहे हैं उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम दे देते हैं क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा सा दिक्कत है पढ़ने में क्या। ठीक है सर। यहाँ पे इसको हम दे देते हैं, ठीक रहेगा ना सर। उससे अब सीख रहे हैं ना सर, समझ में आ भी आ रहा है यस ना। सर। जी, अभी अच्छा भी लग रहा है। तो कुछ जब रिपोर्ट बनाते समय अगर कुछ गलत आपको दिख रहा है ना तो उसको आप इंटीमेट कीजिए। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग, हम जो ऑफिस में जब शुरुआत में ज्वाइन करते थे तो दूसरे के बनाए रिपोर्ट पे हमें क्या करना पड़ता था, फिल करना पड़ता था। लेकिन मैं जो था, मेरी एक आदत थी कि जब रिपोर्ट, जो रिपोर्ट में गलत होती थी हम बोलते थे सर ये रिपोर्ट का ऐसा होना चाहिए। सामने वाला बंदा बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है ऐसा है, बोलते हो ऐसा, हमसे लड़ जाते थे, ऐसा होना चाहिए था, बेनिफिट होता है उसको, इसके बेनिफिट बताता था कि क्या बेनिफिट्स है, ठीक है ना। फिर वो नहीं मानता था तो जिसको हम रिपोर्ट कर देते ना उसको मेल डालते थे कि इस रिपोर्ट के अंदर में ये चेंजिंग होने से ये फायदा होंगे, सामने वाला बंदा मान जाता था, हम इम्प्लीमेंट करा लेते थे। मतलब कि जो रिपोर्ट हम बनाते थे तो मेरा मोटिव होता था कि रिपोर्ट को बनाना है अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, समझ गए। ओके देखिए इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इंफॉर्मेशन तो रह ही रहे, उसके अलावा उस रिपोर्ट को बनाने में हमें जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके और जितना कम हो सके मैन पावर लगे हमें, समझे सर। यस ऑफिस स्टेशनरी में ये ठीक रहेगा ना, यस ये वाला आइकन। हाँ ऑफिस स्टेशनरी यहाँ पे हमने डाला, नहीं ये सी रही दोनों, ये दोनों ये लग रहा है 8 हो, ये हो जा रहा है ऑफिस स्टेशनरी में, ये ठीक रहेगा क्या सर। ठीक है सर। इसको कॉट कर देते हैं, पिक्चर फॉर्म में यहाँ पे हाँ
और ए ऑफिस सप्लायर्स। ठीक है, जी और उसके बाद जो है इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पे। टेक्नोलॉजी, ये हमारा टेक्नोलॉजी का आइकन है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी हम डाल देते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ टेक्नोलॉजी को आइकन 3D, टेक्नोलॉजी आइकन, टेक्नोलॉजी के लिए क्या होना चाहिए, टेक का आइकन लग रहा है, यही होना चाहिए ना, ये वाला आइकन, क्या बोलना चाहिए, ये सही रहेगा ना, नहीं ये नहीं सही है, ये सही है सर, क्योंकि इस पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या जी जी तो आप कर देते हैं। उसके बाद फर्नीचर, लास्ट है हमारा फर्नीचर, नीचे ये जो हाँ तो हम चेयर, चेयर वाला आइकन देंगे सही रहेगा ना सर, ये सही रहेगा ये वाला। अब इसके लिए इसको जो है Ctrl D कर देते हैं ताकि हट जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ से, और ये यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ऊपर से नहीं, ऑफिस में तो फर्नीचर ना है, थोड़ा सा दिक्कत है ऐसा, इसमें किधर जाएगा ना, तो सही तो सही है। ठीक है सर, जी सर ये हमारा बन गया, अब ये तो हमारा बन चुका है, अब यहां पे हम चार्ट्स और बाकी चीज करेंगे, तो इसी पे इसको सेव करते हैं, अगली क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जी सर अगली थैंक यू क्लास में। सर अभी जब डिजाइनिंग वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है, अगली क्लास में हम इसके ऊपर पिवट्स और बाकी चीज अब इंप्लीमेंट करके इसका रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है सर, जी सर तो इसको हमने यहाँ पे एक कर दिया, ओके। ओके सर।
देखने में अच्छा लग रहा है ना सर। हाँ अभी अच्छा लग रहा है। अभी जैसे वो बहुत बड़ा हो गया तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ रखते हैं और इसको कर देते हैं। अब इसको कॉलम को छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ओके सर, चलिए, मिलते हैं कल सेम टाइम। थैंक यू सर।